ठीक है, देखिए वो वाली आपकी चीज भी इसी में सॉल्व हो जाएगी। कल जो हमने लेआउट देखा था फॉर्म वाला, उसमें एक सिंगल एलिमेंट था फॉर्म। एक्चुअल जो पेजेस होते हैं उनमें सिंगल एलिमेंट तो होते ही नहीं है, जैसे ये वाला पेज हमारा है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लेफ्ट में भी हैं, राइट में भी हैं। कल जो हमने मीडिया क्वेरी लगाई थी वो बहुत बेसिक थी, बेसिकली एक ही मीडिया क्वेरी कंटेनर पे लगाई और उससे हमारा सारा काम हो गया था। इसलिए आप लोगों को दूसरे लेआउट में भी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। एक्चुअल लेआउट जैसे कि ये है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसमें अकेला कंटेनर पे मीडिया क्वेरी लगाने से हमारा काम पूरा नहीं होगा। हालांकि कंटेनर पे इस पर मीडिया क्वेरी तो लगानी ही पड़ेगी। टारगेट हमारा क्या होना चाहिए कि जब मैं 300 350 के फोन में जाऊं तो दिखना क्या है, वो जो ये 5 इमेजेस हैं वो किस प्रकार दिख रही है, एक एक बार में एक ही, बाकी उसके नीचे। इन्होंने बाकियों को हाइड कर रखा है, अपन हाइड नहीं करेंगे क्योंकि इसमें भी जावास्क्रिप्ट लगती है। तो टारगेट ये है कि जैसे ये हाँ, और ये मेन्यू है, मेन्यू तो इसके अंदर चला गया है पूरा, मेन्यू गायब हो जाएगा, एक बटन आ जाएगा यहाँ पर। ये जो इमेजेस हैं जो आपको हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रही है, वर्टिकल होंगी, एक उसके नीचे 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 ऐसे। ये तीनों, ये पूरे 9 वाला जो सेक्शन है ये भी वर्टिकल जाएगा, 1 2 3 सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये वाला जो सेक्शन है पॉपुलर आर्टिकल, जिसमें लेफ्ट में कुछ है, इसको हमने 65%, इसको 35% वेट दी थी, इसमें भी होना ये है। ये जो पूरा साइड बार है ये नीचे चला जाएगा, स्क्रीन पे आपको केवल पॉपुलर पोस्ट दिखेगी, पॉपुलर आर्टिकल, उसके नीचे वाला पॉपुलर आर्टिकल, उसके नीचे ऐसे, और फिर साइड बार गायब भी कर दिया गया इसमें, चलो कोई नहीं। फिर उसके नीचे साइड बार आएगा, बस अपन गायब नहीं कर सकते अभी ये साइड बार। और फुटर में भी कॉन्सेप्ट यही रहेगा, ये जो 5 है, एक पॉइंट के बाद 1 2 3 4 और 5 वर्टिकल आएंगे। तो हमें इसको, टारगेट हमारा ये है 350 300 पिक्सल पे ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए। आप दोनों को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो भी इसमें अभी सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहली चीज यह है, स्टार्ट कहां से करोगे? ये 1200 क्यों लिख दिया मैंने, डायरेक्टली नहीं लिखते। 1200 क्यों लिखा? क्योंकि हमें पता है, हमने जब लेआउट बनाया था उसमें जो कंटेनर डाली थी उसकी विड्थ 1200 से शुरू करी थी हमने, उसको विड्थ हमने दे रखी थी 1200। तो 90% ऑफ द केसेस में आपकी मीडिया क्वेरीज 1200 से शुरू होंगी, मतलब आपका जो पेज है वो 1200 के नीचे या 1200 पे ही कटने लग जाएगा या ओवरलैपिंग शुरू हो जाएगी। अगर हालांकि उससे पहले भी हो जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपने जो कोडिंग करी है उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। अगर नहीं भी डायरेक्टली नहीं लगाना है तो सीधे कंट्रोल शिफ्ट एम करें, जो आपकी स्क्रीन की ये वाली ओरिजिनल साइज होती है उस पे जाएं, मेरे में है 1366। सब कुछ सही दिखेगा, लैपटॉप का ही साइज है। अब यहां से आप अपने पेज को छोटा करना शुरू करें, कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, सिंपली माउस से स्क्रॉल करके भी कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। जैसे 1270 पे आया मैं, सब कुछ सही दिख रहा है, कुछ खास फर्क नहीं है, खास क्या, कुछ भी फर्क नहीं है। और मैं अगर छोटा करता हूं 1200 के आसपास, आप देखेंगे ये कटने लग जाएगा या ये कटने लग जाए या ये वाली इमेजेस कटने लग जाए। 1250, देखिए जैसे ही 1200 के करीब पहुंच रहा हूं अब चीजें गड़बड़ होने लग जाएंगी। 1212, थोड़ा सा तो 1200 1200 पे हो गया। 1200 पे तो देखिए कट चुका है, ये एफिलिएट सब्सक्राइब भी कट रहा है और ये वाला कैरोसेल भी कट रहा है, यहाँ फिर भी सब ठीक है। हाँ ये भी चिपक गए हैं, यानी इनमें भी सॉल्यूशन तो करना ही पड़ेगा, यहाँ फिर भी सब ठीक है। अब 1200 पे क्यों कट रहा है? 1200 पे इसलिए कट रहा है क्योंकि आपके जो कंटेनर है उसको आपने कह रखा है कि 1200 पिक्सल की विड्थ लेनी है। जब आपके पास स्क्रीन पे ही 1200 से कम जगह होगी और कंटेनर तो 1200 की है, तो चीजें कहाँ जाएंगी? बाहर निकलेंगी और आपके फिर नीचे नीचे आप देखेंगे अगर, तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आने लगेगी। ये आ रही है, बहुत हल्की सी है, दिख नहीं रही आपको, बट ये आ रही है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, इसको मैं स्क्रॉल कर पा रहा हूँ। तो सबसे पहली मीडिया क्वेरी जो मैं लगाऊंगा
एट द रेट मीडिया ऑल लिख देना है आपको, तो बिना कुछ सोचे ही ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट हमेशा आते हैं। ऐसी डिवाइस जिसकी ज्यादा से ज्यादा वेट 1200 पिक्सल है, यानी 1200 और उससे छोटे वाले डिवाइसेस, उसमें जो कंटेनर है जिसकी अभी तक वेट थी 1200, उसको आप थोड़ा छोटा कर दें। अब ये नंबर हालांकि फिक्स तो नहीं है, बट एक स्टैंडर्ड सा चला आ रहा है तो मैं उसको फॉलो करता हूं। जैसे ही मैंने ये किया, मैंने कहा 1200 से नीचे कंटेनर की वेट होगी 992। अब होगा क्या, ये लोगो और ये सब अपने आप को एडजस्ट करेंगे, कैरोसेल सब अपने आप को एडजस्ट करेंगे। कल के लेआउट और आज के लेआउट में फर्क क्या है, कल ये लिखते ही हमारा 70% काम तो हो गया था, आज ऐसा नहीं होगा। चीजें अंदर तो आ गई बेशक, जैसा कि आपने देखा मेन्यू में प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम जो अभी लेआउट दिखाया गया उसमें भी आ रही थी, मेन्यू में प्रॉब्लम एक, और नीचे देखें यहाँ पे आप देखेंगे ये फोटोज जो है वो चिपक गई हैं, दो, इन सब में ही चिपकेंगे फिर। हाँ ये नीचे आ गए, इसको यहां होना चाहिए था, ये प्रॉब्लम भी उस लेआउट में आ रही थी, ये भी नीचे आ गया। अब कोई चीज अगर नीचे उठ के आती है ना, उसका सिंपल सा कायदा हम ये रखते हैं, या तो सारे वर्टिकल हो जाते या फिर एक भी वर्टिकल नहीं होता, क्योंकि ये मजा नहीं आता ऐसे, एक आ जाए तो मजा नहीं आता। कहने का मतलब ये है, कल वाले लेआउट में तो हमने जैसे ये किया था, हमारा काम होने लग गया था, आज एक्चुअल में हमें बहुत सारी मीडिया क्वेरीज लगानी पड़ेंगी और अलग अलग एलिमेंट्स पर लगानी पड़ेंगी। मेन्यू को भी सेट करेंगे अभी और इनको भी सेट करेंगे। बाकी चीजों को सेट करने से पहले मैंने एक जो स्टैंडर्ड मेरा करना था मुझे, चूंकि हमने जब हम एक्चुअल लेआउट में लैपटॉप साइज में थे, हर चीज को सेंटर किया था कंटेनर से, तो सबसे पहला काम मैंने किया अलग अलग डिवाइस साइज पे कंटेनर की वेट कितनी होगी। अगर मैं किसी ऐसी डिवाइस में हूं जो 1200 पिक्सल तक ही है उसकी हद, उसकी रेंज, तो वहां कंटेनर 992 का होगा। अगर आप और छोटी डिवाइस में पहुंचोगे जहां 992 ही लिमिट है डिवाइस की, तो वहां कंटेनर इतने का होगा, 768 का। और जब मैं कोई ऐसी डिवाइस में पहुंचूंगा जहां पे 768 ही वेड्थ है मेरे पास, मैक्सिमम वेड्थ जो अलाउड है, जो डिवाइस की वेड्थ है, उसमें जो मेरा कंटेनर होगा वो फुल स्क्रीन की वेड्थ ले लेगा, फुल स्क्रीन की वेड्थ ले लेगा, लेकिन चीजें फिर चिपक जाएंगी, तो उसके लिए मैंने कहा है कि नहीं, लेफ्ट में 10 पिक्सल की मैं पैडिंग छोड़ूंगा। कंटेनर चूंकि मेरे पूरे पेज में थी, तो इसलिए सबसे पहले मैंने कंटेनर पे काम करके ये छोड़ दिया। कल और आज के लेआउट में फर्क ये है, कल हमारे हिस्से ही काम बन गया था, एक्चुअल में नहीं बनता है, उसी का एग्जांपल है ये लेआउट। तो हम 1200 पे थे, वापस से 1200 पे अगर चलें, जो ये चिपक गए थे वो तो अंदर आ गए, ये काम तो बढ़िया हुआ, लेकिन आपने देखा मेन्यू में गड़बड़ हो गई है, फोटोज में गड़बड़ हो गई है। अब इन गड़बड़ को ठीक करने का एक ही इलाज होता है, इनके बीच की स्पेसिंग को कम किया जाए। उसके लिए आपको यह पता लगाना होता है स्पेसिंग आपने मार्जिन से, पैडिंग से या किस से दी थी। यहां दो तरह की स्पेस है, LI पे अगर आप देखें राइट साइड में मार्जिन है, लेफ्ट और राइट दोनों में है एक्चुअली, ये जो येलो एरिया आपको दिखाई दे रहा है 15 पिक्सल लेफ्ट में 15 पिक्सल राइट में, ये दिखाई दे रहा, एक तो ये स्पेस है। इसके अलावा एंकर पे अगर आप देख पाए चारों साइड से पैडिंग है। ये तीन नीचे इसलिए गए हैं क्योंकि जगह नहीं है इन तीनों को यहां पे आने की, आपको जगह बनानी पड़ती है, या तो मार्जिन हटा लें या पैडिंग हटा लें, जिससे आपका काम हो जाए। मीडिया क्वेरी में कोई सेट रूल नहीं है कि आपको क्या चीज कम करनी है, जो चीज कम करके आपका वेब पेज अच्छा दिखता हो आपको वो कम कर लेना है। क्या मतलब है मेरे कहने का, 1200 वाले में मैं आया, अभी 1200 पे हूं, क्योंकि मैं कंटेनर का तो ऐसे ही छोड़ दें, कंटेनर के बाद ध्यान रखिएगा, लेकिन मैं हूं अभी इसी ब्लॉक में,
कंटेनर के बाद मेन्यू के अंदर आने वाली एल आई। अब देखिए एक मेन्यू एल आई तो ऊपर भी है लाइन नंबर 65 पे, इसमें है फ्लोट और मार्जिन एंड मार्जिन। फ्लोट से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, तो मीडिया क्वेरी में आप फ्लोट को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो चाहिए ही चाहिए हमें, वो तो प्रॉब्लम ही नहीं है हमारी। मेन्यू के अंदर आने वाला एल आई ओरिजिनली जिस पे मार्जिन लगती है 15 और 15, मैंने क्या कहा मार्जिन लेफ्ट जीरो कर दें तो थोड़ी सी स्पेस रखते हैं। देखिए टॉप और बॉटम से हमें मतलब नहीं था, इसलिए मीडिया क्वेरी में टॉप और बॉटम मार्जिन को मैंने छेड़ा ही नहीं। अगर कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, देखते हैं इससे हमारा काम बनता है क्या। देखिए कितना बढ़िया हमारा काम बन गया। अब ये हो क्या रहा है, जब आप 1200 से नीचे रहोगे तब तो मार्जिन इस पे है 3-3 पिक्सल की, लेकिन जैसे ही 1200 से ऊपर जाओगे वो मार्जिन वापस वो वाली अप्लाई हो जाएगी 15-15 वाली। यही करती है मीडिया क्वेरी। ये एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई, हालांकि प्रॉब्लम और भी है। 1150 के आसपास रख लेते हैं। एक प्रॉब्लम तो मेरी ये सॉल्व हुई, मैं अगर नीचे बढ़ूं तो मैंने देखा ये फोटोज चिपक रही हैं, अब इनका क्या करें, मार्जिन पैडिंग कहीं ना कहीं कुछ होगी इनमें, उसका भी हमें देखना पड़ेगा। अच्छा इसमें तो हाँ विड्थ भी है। ओके अच्छा। अगर आप देख पा रहे हैं, देखिए क्या हो रहा है, फोटो जो है वो डिव को तोड़ के बाहर निकल रही है। जैसे मैंने हाईलाइट किया हुआ है डिव, तीसरी डिव क्लास पोस्ट तो इतनी सी है 301 307 पिक्सल की, लेकिन उसके अंदर वाली फोटो बड़ी जा रही होगी, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, वो तो काफी बड़ी जा रही है। मार्जिन ऊपर नीचे से 2, लेफ्ट राइट से 1%, जो कि मतलब की नहीं है इमेज पे। ओके अब देखिए यहाँ मुझे एक चीज समझ में आई कि हमारी जो ओरिजिनल कोडिंग थी, ओरिजिनल सीएसएस थी, उसमें ही फॉल्ट है। ये जो हो रहा है ये हो रहा है क्योंकि आपने ये नहीं दिया हुआ, ये वो अब सॉल्व तो अपने आप हो गई। इमेज डिव को तोड़ के बाहर जा रही थी क्योंकि इमेज पे आपने लिमिट नहीं लगाई। इमेज का हमने आपको कायदा बताया हुआ है कि अलग से उसको हाइट विड्थ देनी ही पड़ेगी, अदरवाइज वो बाहर जाएगी। तो ये चीज तो मैं ओरिजिनल में ही लगा के आ रहा हूं, ये तो अपना ही फॉल्ट है, अपन ने जब सीएसएस बनाई तब ध्यान नहीं दिया। तो ये तो हुआ, अब नीचे वाले में भी कुछ खास दिक्कत नहीं होगी, नहीं है अभी। हाँ अब ये जो है वो नीचे चला गया है सेकंड वाला, इसका कुछ करना पड़ेगा। ओरिजिनल में ये ऐसे था, तो अभी तो मेरे पास स्पेस थी, मेरे हिसाब से ये ऊपर रह सकता था 1200 में, तो ये ऊपर रह सकता था, है स्पेस। प्रॉब्लम क्या है कि नीचे क्यों जा रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख पाए इन पे मार्जिन काफी लगी हुई है, 25 पिक्सल राइट की मार्जिन लगी हुई है इस पे भी और इस पे भी, टॉप बॉटम से तो मतलब ही नहीं। लेफ्ट में मार्जिन है 12, राइट में मार्जिन है 25। थोड़ा सा नीचे करने पे ये नीचे क्यों चला जाता है, वो इसलिए चला जाता है क्योंकि मार्जिन काफी ज्यादा हो रही है, तो 1200 के नीचे हमारी जो मार्जिन है उसे हम कम कर देंगे। मार्जिन राइट ही कम कर देते हैं। जैसे एक चीज मैंने देखी कि मार्जिन राइट 15 करने पे वो ऊपर आ जाता है। जल्दी मत कीजिएगा कि हाँ ये सॉल्यूशन मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया। क्या वो सॉल्यूशन अच्छा सॉल्यूशन भी है कि नहीं ये पहले पता लगाइए। मतलब क्या है, 1200 पे ये गड़बड़ कर रहा था, आपने 1200 पे कुछ सॉल्यूशन लगाया जिससे ये ऊपर आ गया। अपनी स्क्रीन को थोड़ा छोटा करके देखिए, अगर ऐसा होता है कि 150 पिक्सल नीचे जाते ही ये वापस नीचे चला जाए तो इसका मतलब है वो सॉल्यूशन अच्छा नहीं है, क्योंकि हम कोशिश ये करते हैं
सौ सौ पिक्सल में मीडिया क्वेरी नहीं लगाते हम, 1200 के बाद 1100, फिर 1000, फिर 900, नहीं। जैसा कि आप देखें 200-250 पिक्सल का गैप तो हम रखते हैं हमेशा। तो कोशिश ये करें कि 150-200 पिक्सल तक तो आपका वो सॉल्यूशन टिके, अदरवाइज वो सॉल्यूशन अच्छा नहीं है, और कोई बेटर सॉल्यूशन हो सकता है। तो आप देखते हैं मेरा जो सॉल्यूशन था 1200 से लेकर 900 तक बैठता है, करीब 980-992 तक बैठता है। ठीक है, 200-250 पिक्सल मिल रहा है, बहुत बढ़िया है। तो ये मैं सॉल्यूशन जाके अप्लाई कर दूंगा। किया क्या था, पॉपुलर पोस्ट के अंदर आने वाले हाफ जो था उसकी मार्जिन राइट 15, इसको कॉपी कर लो 1200 पे, ये यहां लिखा मार्जिन राइट 15 पी। 1200 से नीचे इसमें मार्जिन राइट 15 रहेगी, 1200 के ऊपर जो पहले से थी वही रहेगी। अच्छा, ये भी बिगड़ गया था, इसका भी वही सॉल्यूशन है। ये जो स्पेस है, अगर इसको मैं कम कर लूं तो मेरे हिसाब से बहुत जगह ये ऊपर आराम से आ सकता है। देखते हैं क्यों नहीं आ रहा, ड्यूएल पे विड्थ नहीं है तो एलआई पे विड्थ दी थी किस पे? अच्छा, डेप भी है, डेप पे विड्थ दी होगी। ओके, मार्जिन लेफ्ट से काम हो गया। विड्थ 19। ओके, तो ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, और जगह नहीं बची तो पांचवी नीचे। मार्जिन तो ऑलरेडी इतनी कम है, मार्जिन को क्या कम करेंगे। ठीक है, चलिए, मार्जिन कम करने से वो ऊपर तो आया। अगेन सॉल्यूशन वही अच्छा है जो 100-200 पिक्सल तो टिके। अगर ये टिकता है तो बहुत बढ़िया, 900 तक टिक जाता है तो बढ़िया है, बढ़िया है, टिक रहा है, नो प्रॉब्लम। तो जैसा कि मैंने देखा, किसकी मार्जिन हटाई थी हमने, ओके, मेन्यूज के अंदर आने वाले मेन्यू की मार्जिन लेफ्ट और राइट 3 पिक्सल। आप देखिए इसको करते कैसे हैं मीडिया क्वेरी में। टॉप और बॉटम की जो मार्जिन थी उसको मैंने नहीं छेड़ा है ओरिजिनल में, ये मार्जिन और फिर टॉप और बॉट लेफ्ट राइट की लिखी हुई है। लेकिन मीडिया क्वेरी में जब मैं जा रहा हूं, क्योंकि टॉप और बॉटम की जितनी भी है, चाहे 0 है, 10 है, 15 है, जितनी भी है, मुझे उसको नहीं छेड़ना है। तो मैंने यहां मार्जिन लेफ्ट और राइट से काम किया। मेरे कहने का मतलब है, मार्जिन अगर आप लगाओगे तो आपको टॉप की भी देनी पड़ेगी, या तो आप ऐसे लिखते। इसमें हुआ ये, आपने मार्जिन टॉप और बॉटम रीडिक्लेयर करी, दोबारा डिक्लेयर करी 0 पे, जिसकी जरूरत नहीं थी, वो पहले से 0 है, तो आपको भी आप ही 0 दे रहे हैं, तो बेटर है आप लिखे ही नहीं। तो इसलिए मार्जिन लेफ्ट अलग से लिखा, फुल हैंड का इस्तेमाल किया, मार्जिन राइट फुल हैंड का इस्तेमाल किया, टॉप और बॉटम की जो थी उसको उतनी ही रहने दो। ये मैंने किया, रिफ्रेश किया, तो आप देखेंगे वो ऊपर ही रहेगा, बहुत ही बढ़िया। और कुछ अगर बिगड़ रहा होता 1200 पे, तो आप इस 1200 वाले ब्लॉक में फिर उसको भी लिखते। अभी के लिए 1200 वाले ब्लॉक में आपकी इतनी मीडिया क्वेरीज आई, इतने एलिमेंट्स, मतलब 1, 2, 3 और 4 एलिमेंट पे आपने काम किया। अगर ऐसा होता आपके पेज में और कोई एलिमेंट भी खराब हो रहा होता 1200 पिक्सल पे ही, तो उसको भी हम सॉर्ट करने की देखते, बट 350 तक जाना है तो और आगे चलेंगे। अच्छा, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि 1200 के बाद आपको 992 पर ही मीडिया क्वेरी लगानी है। अगर आपके पेज में मान लो 1100 पे कोई एक दो चीज बिगड़ रही है, तो सॉर्ट तो करना ही पड़ेगा उन्हें, तो 1100 वाला आप मीडिया क्वेरी लगा सकते हो, मना नहीं होता है। मैं नीचे चलता रहता हूं थोड़ा थोड़ा, और फिर देखता रहूंगा कहीं कोई चीज बिगड़ी क्या। मैं 1090 पे देखता हूँ कुछ बिगड़ा है क्या, ठीक ही लग रहा है सब कुछ, तो और नीचे चलेंगे फिर। अब चीजें वापस से कटने लग जाएंगी थोड़ी देर में, कुछ बिगड़ा थोड़ी अभी तक नहीं। हाँ, एक वो चीज है, ये काफी अंदर जाने वाला है, ये भी जाने वाला है। अब आपकी चीजें ये
कटने लग गई हैं या कटने वाली हैं। तो जैसा मैंने देखा कि 1000 के पास आते आते ही आप देखेंगे कैराउजल तो एकदम घुस गया अंदर, और ये तो फिर भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी घुसने लग गया ऑलमोस्ट अंदर। हाँ, तो अब मैं अपनी मीडिया क्वेरी में थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। चेंज क्या कर रहा हूँ, 992 पे दिया था मैंने, लेकिन मेरी प्रॉब्लम तो है वो, देखिए वो 1000 पे ही शुरू होने लग जाती है, तो मैं इसको क्यों ना 1000 कर दूँ। ऐसे अपन चेंजेस कर सकते हैं, पेज टू पेज वेरी करता है ये, बहुत ज्यादा वेरी करता है कभी कभी। कंटेनर पे जो लगा हुआ है लगे रहने दीजिए, जैसे ही मैं इसको 1000 किया। हाँ, अब चीजें फिर से गड़बड़ होने लग गई हैं। एक तो ये फिर नीचे चला गया, यानी अब वो जो मार्जिन या पैडिंग थी उसको और कम करना पड़ेगा, और यहाँ तो बहुत ही गड़बड़ शुरू हो गई तो इसको भी देखना पड़ेगा। अरे भाई, ये फिर भी ठीक आ रहा है। ओ, ये देख रहे हैं प्रॉब्लम हो रही है, ये ठीक है, फिर भी माना जा सकता है इसको। यहाँ सब ओके, यहाँ फिर से गड़बड़ हो गई है। और वन सेकेंड, कोई बात नहीं, आपके जो सारे सॉल्यूशन जो आपने 1200 पे किए थे, 1000 पे आके वो गड़बड़ हो रहे हैं, बट ठीक है, 200 पिक्सल तो आपका सॉल्यूशन टिका, बहुत अच्छी बात है। अब वापस से कुछ देखना पड़ेगा इनके लिए। LI पे जो हमने 10-15 पिक्सल मार्जिन को तीन तीन किया था, अगर मैं उसको भी हटा के देखूं, नहीं पहुंचेगा शायद ऊपर, तो उससे काम नहीं होगा। तो जो है वही लग रहा है मुझे, अब तो कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। कहने का मतलब है, अब ये जो पैडिंग है लेफ्ट राइट पे आप देख पा रहे हैं, 18 पिक्सल की पैडिंग आ रही है, इसको भी हमें कम करना पड़ सकता है। कितनी, करने पे पता चलता है। जैसे 6 अगर मैं कर दूं, ठीक है, अभी तो अच्छा लग रहा है, बट फिर से वही जल्दबाजी ना करें इसको डालने की वहां पे, पहले चेक करें भाई 100-150-200 पिक्सल तो टिकता ही है, टिकता है कि आपका सॉल्यूशन की नहीं टिकता। 990 1000 पे लगाया अपन ने, ये कम से कम 800 तक तो टिके, ठीक रहा है तो बढ़िया है। अब आप जाके इसको अप्लाई कर सकते हो। ये अपन ने लगाया है मेन्यू LI A पे, मेन्यू LI A, अगेन टॉप पैडिंग को तो छेड़ा ही नहीं था मैंने, तो सिर्फ पैडिंग लेफ्ट 6 पिक्सल, पैडिंग राइट 6 पिक्सल, बट मामला तो अभी शांत हुआ ही नहीं है, ये भी है। अब इनका क्या सॉल्यूशन करें? अगर देखिए एक चीज बताऊं आपको, अब अगर मैं इनको थोड़ा और स्क्वीज कर दूं, मैं चाहूं तो इसको स्क्वीज कर सकता हूं, बाकी जगह में ये आ जाएंगे, प्रॉब्लम ये होने लग जाएगी। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो हेडिंग है ये अब अपने इमेज के बॉर्डर्स पे चिपकने लग गई है, माने हेडिंग के लिए जगह नहीं बची। इसको अगर आप स्क्वीज करेंगे तो ये वाली हेडिंग भी चिपक जाएगी अपने बॉर्डर्स पे, और चिपकी हुई चीज कभी अच्छी नहीं लगती। अब यहाँ और वो देखिए, तीसरी वाली जो है वो नीचे चली गई है, कट क्यों गई? ओवरफ्लो हिडन आपने लगा रखा होगा इस पे कहीं ना कहीं, ये लगा हुआ ओवरफ्लो हिडन, वो कटी इसके कारण है। अब ओवरफ्लो हिडन चाहिए था हमें, वरना ये नीचे वाला ऊपर खिसक गया, तो ओवरफ्लो हिडन तो हम रखेंगे। अब ऐसी चीज जगहों पे सॉल्यूशन क्या होता है, इनको आप हॉरिजॉन्टल ना रखते हुए वर्टिकल कर दें। आपने इनको हॉरिजॉन्टल किया था फ्लोट लगा के, वो फ्लोट आप इनसे वापस छीन लें। इस पे भी वही सॉल्यूशन लगाना अप्लाई करना पड़ सकता है मुझे, और इन पे भी वही सॉल्यूशन अप्लाई करना पड़ सकता है मुझे। यहां तो अभी है इसको, हमने क्या किया था इनको हॉरिजॉन्टल करने के लिए, ये जो लेफ्ट वाली क्लास थी और ये जो राइट वाली क्लास थी, इन दोनों पे हमने लगाया था फ्लोट लेफ्ट, और आधी आधी विड्थ टोटल जो अवेलेबल था उसकी इनको दी थी। प्रॉब्लम भी अब यही है, ये तो आधी ले रहा है, जो बचा हुआ आधा है उसमें 1, 2, 3 और 4 इतनी जगह में नहीं आ पा रहे हैं,
अगर मैं और स्क्वीज करूं, मैं विड्थ को 49 से 40 कर सकता हूं, प्रॉब्लम क्या आएगी, हेडिंग्स चिपक जाएंगी और इमेज भी बहुत ज्यादा स्क्वीज हुई भी अच्छी नहीं लगती। जैसे थोड़ी थोड़ी स्क्वीज तो ये भी हो गई है, बट काम चल रहा है, इनको आप स्क्वीज करेंगे तो वैसे ही इतनी सी है, स्क्वीज होके अच्छी नहीं लगेगी। तो ऐसे केस में अब हमारे पास एक ही सॉल्यूशन बचता है, आप अपनी चीज को हॉरिजॉन्टल की बजाय वर्टिकल कर दें। मैंने क्या किया, मैंने फ्लोट हटाया। जैसे ही मैंने फ्लोट हटाया तो आप देखेंगे ये चारों जो यहां आने की कोशिश कर रही थी वो अब नीचे आ रही है। हालांकि ये खाली स्पेस बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और यहाँ पे भी ये खाली स्पेस अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कौन सी क्लास थी, लेफ्ट और राइट, ओके, डॉट लेफ्ट और साथ साथ डॉट राइट। हमने इन पे फ्लोट लेफ्ट दे रखा था, आप इस पे दे दें फ्लोट नन, एक तो ये काम करें तो उससे ये तो हो गया। और इसके साथ एक काम और करें, दोनों जितना स्क्रीन का स्पेस है उतना वो अपने पेरेंट का हिस्सा ले लेंगी। अब ज्यादा ठीक लग रहा है ये पहले के मुकाबले, काफी ठीक लग रहा है पहले के मुकाबले। तो हमने इसको फ्लोट हटाया ताकि भाई किसी के लेफ्ट और किसी के राइट में नहीं आना, और विड्थ पूरी करी। वही सेम चीज हमने इस पूरी डिव पे करी कि किसी के लेफ्ट में किसी के राइट में नहीं आना और विड्थ 100%। यहाँ पे सिंगल और यहाँ पे डबल इमेजेस इसलिए आ रही हैं क्योंकि ये जो डिव है राइट, इसके अंदर हमने जो डिव्स ए दे रखे उनको विड्थ हमने 49 दे रखी थी। माने राइट का ये जो पूरी डिव हाईलाइट हो रही है ऊपर, इसका आधा एक एंकर, आधा एक एंकर, आधा और आधा, ऐसे हमारा काम बहुत अच्छा बैठ रहा है। इसीलिए जब हमने इसको बिना मीडिया क्वेरी के बनाया था, जब शुरुआत में बनाया था, तो हमने इस प्रकार बनाने की कोशिश करी थी इसको, तब हमें ये चीज दिमाग में रखनी पड़ती है कि स्मॉल स्क्रीन पे ये कैसा लगने वाला है। काम खत्म नहीं हुआ है, नीचे अगर हम देखें, चलिए ये तो ठीक है, नहीं, ये प्रॉब्लम है, ये टेक्स्ट कट गया है। अब वो कटा क्यों है, इन डिव्स पे हमने हाइट दे रखी थी, ये है पोस्ट, इन पोस्ट पे हाइट है 570। जब हम ओरिजिनल साइज में थे, डेस्कटॉप साइज में थे, तब चूंकि कंटेंट के पास स्पेस ज्यादा थी तो वो 570 में हमारा काम हो रहा था। अब हमने स्क्वीज कर दिया सब कुछ, जगह कम है, तो 570 पे हमारा काम नहीं हो पा रहा है। अब देखिए इसके दो तीन सॉल्यूशन बन सकते हैं, और कोई डेवलपर कैसे करता है, कोई डेवलपर कैसे करता है। या तो आप ये कर सकते हैं कि कंटेंट को काट दें, कि भाई 570 में जितना कंटेंट आ रहा है, कि यहां तक जितना कंटेंट आएगा यहां तक आएगा उतना दिखा दें और बाकी ओवरफ्लो हिडन से काट दें। एक वो सॉल्यूशन होता है कि जितना दिख रहा है दिखने दो, बाकी छोड़ दो। या फिर आप ये कर सकते हैं कि हाइट बढ़ा सकते हैं। हाइट बढ़ाने में एक दिक्कत ये होगी, ये गैप ऑलरेडी गैप है, ये बढ़ता जाएगा। अपन हाइट बढ़ा के देखते हैं एक बार, पोस्ट पे और कोई कट रहा है क्या, नहीं ये तो फिर भी ठीक है। ठीक रहेगा, जैसे हमने इसको 600 किया तो ठीक लग रहा है और ये तो पहले से ही ठीक था। हाँ, सॉल्यूशन तो ये अच्छा है। इस सॉल्यूशन में एक प्रॉब्लम क्या है, आपको नहीं पता यहाँ पे कितना कंटेंट आ रहा है। अगर कोई दूसरी पोस्ट आई उसका कंटेंट अलग हुआ तो फिर वो हो सकता है 600 भी कम पड़ जाए, हो सकता है 600 की जरूरत ही ना पड़े, 570 से ही काम हो जाए। बात समझ रहे हैं मेरी, क्योंकि कंटेंट हमारे हाथ में नहीं होता, कंटेंट किसी में ज्यादा भी हो सकता है, किसी में कम भी हो सकता है। खासकर ये जो ब्लॉग्स वाली वेबसाइट होती हैं, इन पे मल्टीपल ऑथर्स होते हैं, लिखने वाले लोग होते हैं। तो इस सॉल्यूशन में एक प्रॉब्लम ये है, आप कुछ भी लगाओ वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं बैठेगा। तो या तो हम ये भी ट्राई कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, डॉट पोस्ट, ये हम हैं कितने पे, 1000 वाले में,
डॉट पोस्ट पे हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं ओवरफ्लो, नॉट एक्स वाई, सिर्फ ओवरफ्लो पूरा पूरा दोनों एक्स साइड, दोनों साइड से हिडन. ओवरफ्लो हिडन का एक्चुअल काम ही यही है. अभी तक हम इसको एज अ जुगाड़ यूज करते आए थे कि भाई बैकग्राउंड कलर नहीं दिख रहा हेडर का तो यूज कर लिया, पर ओवरफ्लो हिडन का एक्चुअल काम ये है कि एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूं, 570 वापस से अप्लाई हो जाएगा. ओवरफ्लो क्या हुआ, अच्छा वो देखा, हाँ ओवरफ्लो हिडन का एक्चुअल काम यही है कि जितना कंटेंट आपके दिए हुए डायमेंशन में दिख रहा है उतना दिखाओ, बाकी को जाने दो. जैसे मैंने ओवरफ्लो हिडन किया, उसने क्या किया देखिए, बाकी के कंटेंट दो लाइनें जो थी नीचे की उनको काट दिए. तो मेरे हिसाब से ये बेटर सॉल्यूशन है, क्योंकि आपको पता नहीं है कंटेंट कितना आएगा कितना नहीं आएगा, 600 भी हो सकता है पूरी पड़ जाए, 600 पूरी ना पड़े. तो मुझे ये बेटर सॉल्यूशन लगता है, आप ओवरफ्लो यानी जो बाहर जा रहा है आपके डायमेंशन से उसे गायब कर दें. आगे बढ़ते हुए यहां ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है. एक जरूर चेंज ये हुआ है कि सबमिट पहले यहां था वो नीचे आ गया, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें, क्या दिक्कत है, नीचे आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं कर रहा हूं. ये अब ये फिर से नीचे आ गया, अभी तो हमने इसको ऊपर किया था 1200 पे. अब आपके हाथ में फिर से दो सॉल्यूशन है, या तो आप मार्जिन और कम करके इसको और टिका ले यहां पर, वो भी सही है, या फिर जैसा आपने इनके लिए किया हुआ है कि फुल विड्थ में ये और फुल विड्थ में ये, वैसा ही आप इनके लिए भी कर सकते हैं कि भाई फुल विड्थ में तू आ जा, फुल विड्थ में तू आ जा और फुल विड्थ में तू आ जा. दोनों सॉल्यूशन जिसको जो समझ में आए वैसा वो ट्राई कर सकता है. अगर हम मार्जिन कम करके देखते हैं तो उससे देखते हैं क्या होता है. मार्जिन राइट जो लग रही है वो लग रही है 15. अगर हम 15 को, अरे वाह, दो तीन कम करने पे आ गए क्या. चलिए मार्जिन 10 किया मैंने अभी. अगेन इतनी जल्दी सॉल्यूशन नहीं मानूंगा मैं इसको, अगर ये 100-200 पिक्सल टिकता नहीं है तो. 1000 पे मैंने कहा मार्जिन 10 px, मैं मानता हूं भाई 850 तक तो टिके और कुछ नहीं तो. ओ 800 तक टिक गया है तो वाह, टिक रहा है, चलिए बहुत ही बढ़िया. तो जैसा कि आपने देखा आपका सॉल्यूशन टिक रहा था, तो 1000 पे उसकी मार्जिन जो है वो अपन कर देंगे 10 पिक्सल. किसकी देख लेते हैं. ओके पॉपुलर पोस्ट हाफ, जिसकी 10 तो ऑलरेडी है, हमने किसकी करी थी. हाँ 15 है, इसको 10 कर देते हैं. 1200 पे हमने इसको 15 किया था, अब 1000 पर मैं इसको कर रहा हूं 10. यहां पे 15 था, मार्जिन राइट हो जाएगा 10 पिक्सल. क्यों मैं अप्लाई कर रहा हूं ये सॉल्यूशन, क्योंकि मैंने देखा ये सॉल्यूशन काफी आगे तक चल रहा है, तो काफी आगे तक के लिए जो हमारी एक सरदर्दी है वो तो कम हो जाएगी. बट यहाँ पे भी ये वो प्रॉब्लम आ गई है सेम, इसको फिर से ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तो वो जो मार्जिन या पैडिंग जो कम करी थी उसको और देखना पड़ेगा. क्या किया था हमने. तो हमने मार्जिन लेफ्ट करी थी 3 पिक्सल, अब 3 से नीचे तो क्या करेंगे देखते हैं. अरे वाह, आप 2 पे आ रहे क्या. हाँ ओके. यहाँ पे अब मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, मैंने 3 से इसको 2 किया तो वो ऊपर आ गया, ठीक है ऊपर तो आ गया, बट एक चीज जो मुझे खटक रही है वो है इनके बीच का स्पेस जो कि बहुत ही कम है. हो सकता है ये सॉल्यूशन टिक भी जाए. हाँ टिक रहा है, 2 पिक्सल टिक रहा है, काफी आगे तक 800 तक तो टिक रहा है, बट एक प्रॉब्लम ये है इनके बीच में स्पेसिंग अब बहुत कम हो गई है. तो अब मेरा मन मान नहीं रहा ये करने को. तो अब आप यहां पे दूसरा सॉल्यूशन क्या लगा सकते हैं. दूसरा सॉल्यूशन ये बनता है कि सबको फुल फुल विड्थ दे दो, यानी प्रोडक्ट्स उसके नीचे हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 और सपोर्ट, इनको हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कर दे बेसिकली.
इनको हॉरिजॉन्टल हमने किया हुआ था यूजिंग फ्लोट लेफ्ट, तो बेसिकली इनसे फ्लोट छीन लें तो वो अपने आप वर्टिकल हो जाएंगे, फ्लोट नन इन पे भी लगा दें। मेन्यूज के मेन्यू पे 1200 पे हमने मार्जिन से काम किया था, अब हम कह रहे हैं फ्लोट नन। क्या हुआ उससे? उससे ये हुआ है, प्रोडक्ट इधर, हेडिंग इधर, हेडिंग इधर, हेडिंग इधर और सपोर्ट नीचे। हाँ आप चाहें तो यहाँ पे गैप ला सकते हैं, आप इसको मार्जिन टॉप दे दें वो भी सही रहेगा। मेन्यू लास्ट ऑफ टाइप है ये, आप चाहें तो मेन्यू लास्ट ऑफ टाइप को मार्जिन टॉप दे सकते हैं। मेन्यूज के अंदर आने वाला मेन्यू सारे नहीं, लास्ट ऑफ टाइप सूडो क्लास पढ़ी है हमने, मार्जिन टॉप 20 पीएस, ये और भी अच्छा लग रहा है। तो 1000 पे भी मेरा पेज अब अच्छा दिख रहा है। 1000 का मेरा मतलब है कोई टैबलेट की साइज होती है, फोन्स तो इतने चौड़े नहीं होते अपने ऑब्वियसली, क्योंकि ये कम से कम 10 से 11 इंची तो होगा, टैबलेट साइज होता है ये। टैबलेट पे आपका पेज ऐसा दिखाई देगा, ना कोई चीज कट रही है, ना कोई चीज ओवरलैप कर रही है, मामला अच्छा दिख रहा है। लेकिन और आगे चलना है हमें, तो मैं छोटा करता जाऊंगा, जहां पे कोई चीज कटती हुई नजर आएगी वहां पे फिर नजर दौड़ाऊंगा। अभी सब कुछ सही लग रहा है, ठीक है ठीक है, ये तो ठीक ही था वैसे भी, तो अभी तो सब कुछ सही है। और नीचे चलते हैं, अब कंटेंट फिर से कटने लग रहा है, 768 पे हुआ क्या? ओके, तो जैसा आपने देखा कि 800 पे पहुंचते पहुंचते ही ये डिव जो है वो कट जाती है, ये फोटो जो है वो कट जाती है, कट गई, ये वाली भी कट गई, ये तो फिर भी ठीक है। तो मैंने चेंज लगाया था अभी 768 पर, मैंने देखा वो बहुत दूर हो गया है, तो अब आप ये करेंगे 800 पर ही इसको चेंज कर लेंगे। ये जो मैं अब ये हिट एंड ट्राई वाली चीज कर रहा हूँ, ये हमें हर वेबसाइट टू वेबसाइट वेरी करती है। कहीं कहीं आपका कल वाले लेआउट में हमारा जो स्टैंडर्ड था 1000 सॉरी 1200, 992 और 768 चल गया था। इस पेज में आपने देखा कि उनसे काम नहीं हो रहा है, 1200 के बाद 1000 आ गया, 1000 के बाद सीधे 800 आ गया। तो ये जो चीज है ये वेबसाइट टू वेबसाइट वेरी करती ही है, इसका कोई स्टैंडर्ड फिक्स नहीं होता है। तो खैर करना क्या है, 800 पे कंटेनर की विड्थ हमने कर दी 100% और उसको लेफ्ट और राइट से हमने कहा 10-10 पिक्सल की आप स्पेस ले लो। जैसे ही हमने ये किया और रिफ्रेश किया, अब आप देख रहे हैं स्पेस वापस आ गई है, यहां पे भी थोड़ा सा ही सही लेकिन स्पेस तो है, यहां पे भी स्पेस है, यहाँ भी सब कुछ सही है। अभी के लिए तो ये तीनों बहुत सही लग रहे हैं, ये तीनों भी सही लग रहे हैं, सब कुछ सही है। अभी सब कुछ सही दिख रहा है, थोड़ा सा अगर हम और नीचे चले, लेकिन हाँ वो आपने देखा क्या है, सर्च बार नीचे आ गया, सर्च आइकन नीचे आ गया, ये आ गया 750 पर ही। ओके, और कहीं कुछ देखें, कुछ प्रॉब्लम आती है क्या? बाकी तो ठीक है, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। ये सबमिट नीचे आ गया था बट वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबमिट नीचे आ भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पहले यहां था सबमिट, ऐसे था बट कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, नीचे आ भी जाता है तो वेल एंड गुड है। अब एक चीज मैंने नोट करी कि मैंने 800 पिक्सल पे दवाई लगाई थी, दवाई लगाई मतलब मीडिया क्वेरी लगाई थी, लेकिन वो मेरी मीडिया क्वेरी 50 पिक्सल नीचे जाते ही बेकार हो गई, ये तो नीचे आ गया। इसका सॉल्यूशन फिर ये होता है, अब ये करना अकलमंदी नहीं है कि मैं 50-50 पिक्सल पे ही मीडिया क्वेरी लगाता रहूं, कि भाई अब मुझे 750 पे फिर से कुछ लगाना है। क्यों? क्योंकि मेरा मेन्यू बिगड़ रहा है।
तो इसका सॉल्यूशन ये है कि वो जो मेन्यू 750 पे बिगड़ रहा था, आप दवाई उसके लिए यानी मीडिया क्वेरी उसके लिए 800 पर ही लगा दो। इसका सॉल्यूशन एक ही है कि आप मेन्यू को अब वर्टिकल कर दें, क्योंकि आप इन्हें और स्क्वीज तो कर नहीं सकते, जगह ही नहीं है इनके बीच में। तो अब एक ही सॉल्यूशन बचता है, मेन्यू हो जाए वर्टिकल। मतलब जैसे इसमें क्या हो रहा था, अब इसको छोटा करते हैं, थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा। हाँ, मेन्यू एक्चुअली गायब हो जाता है और ये बटन सामने आ जाता है जिसपे क्लिक करने के पे मेन्यू वर्टिकल निकल के आता है। तो हम अभी ये कर रहे हैं, हमारा मेन्यू 800 पिक्सल पे यहां से गायब हो जाएगा और एक और 800 पिक्सल पे ये सब्सक्राइब वगैरह भी गायब हो जाएंगे, माने ये वाली डिव सब्सक्राइब और ये मेन्यू, इन सब पर 800 पिक्सल पे हम लगा देंगे डिस्प्ले नन। और यहां पे कहीं हम ऐसा एक बटन दिखाएंगे, इस बटन का एक स्पेसिफिक नाम है, इसको बोलते हैं हैमबर्गर। हैमबर्गर नाम कहलाता है ये, क्यों कहलाता है पता नहीं, बट नाम है इसका हैमबर्गर। तो हमें वो हैमबर्गर आइकन चाहिए वहां पर। थोड़ा सा काम हमें HTML में करना पड़ेगा। ये जो सब्सक्राइब है ना, इस सब्सक्राइब के साथ ही मैंने एक ए लिया, इसको आईडी दे दी हैमबर्गर। इसके अंदर मैंने क्या किया, तीन स्पैन बना लिए बस, उनमें कुछ लिखा नहीं मैंने। देखिए हैमबर्गर बनता कैसे, अपनी CSS में आया, मीडिया क्वेरी में नहीं, मेन जो आपकी CSS है उसमें, थोड़ा सा चीजों को अलग कर दिया, मीडिया क्वेरी अपनी जगह, वो अपनी जगह, मीडिया क्वेरीज, ठीक है। हाँ, तो हैश हैमबर्गर के अंदर आने वाला स्पैन, अब स्पैन में कुछ लिखा हुआ नहीं है, पूरे एंकर में कुछ लिखा हुआ नहीं, देखिए अभी वो आपको दिखाई नहीं देगा कहीं, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि वो सब ब्लैंक है, एंकर ब्लैंक है, एंकर के अंदर स्पैन ब्लैंक है, हमें ब्लैंक ही रखना है। हमने दिया उनको तीनों को बॉर्डर, बॉर्डर वेट, फिर बॉर्डर का काम करते हैं, 1 pixel सॉलिड ब्लैक, और उनको दी विड्थ, विड्थ 35 pixel बहुत रहेगी, हाइट हमने दे दी से 2 pixel, बॉर्डर रेडियस 5 pixel, बैकग्राउंड कलर भी देना रहेगा वो भी ब्लैक। स्पैन इनलाइन एलिमेंट है, हॉरिजॉन्टल आएगा, पर हमें चाहिए वर्टिकल, तो डिस्प्ले ब्लॉक। ओ यहां आ गए तीनों, कोई बात नहीं, तीनों में स्पेस नहीं है, स्पेस के लिए हमने कहा ऊपर और नीचे से 3-3 pixel की मार्जिन, लेफ्ट राइट से कोई जरूरत नहीं है, विड्थ थोड़ी सी ज्यादा है तो विड्थ को हम कर लेते हैं 25। आइकन तो बन रहा है देखिए, हालांकि इसको यहां नहीं यहां होना है, किसी एलिमेंट को जहां वो आ रहा है वहां से हटा के अगर हमारी मनचाही जगह पे आपको भेजना है, अपनी मनचाही जगह पे भेजना है, तो हमने उसके लिए प्रॉपर्टी पड़ी थी पोजीशन, यहां प्रॉपर्टी हमें लगानी पड़ेगी पोजीशन, इस पे हमने लगाई पोजीशन, रिलेटिव नहीं लगाएंगे। मैंने आपको हमेशा अभी तक जो बताया है वो ये है, किसी चाइल्ड एलिमेंट पे एब्सोल्यूट पोजीशन आप लगाते हो, फिर उसके पेरेंट पे रिलेटिव देते हो, ये हमने आज तक करते आए हैं। यहां पर ये जो स्पैन है, ओके ओके, एक 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 सेकंड, स्पैन पे इतना ही काम किया मैंने, हैमबर्गर जो है यानी कि एंकर, उस पर मैं लगा रहा हूं पोजीशन एब्सोल्यूट। ये हैमबर्गर का जो केस होता है ये एक स्पेशल केस है, एक्सेप्शन केस है, ये हैमबर्गर पेज में किसी से रिलेटेड नहीं है, इसकी अपनी ही अलग दुनिया है। जब ऐसे एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास जो किसी से रिलेटेड नहीं होते पेज पे, उनको हम पोजीशन एब्सोल्यूट ही देते हैं। एक बार मैंने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दिया, फिर देखा क्या हुआ, यहां पहुंच गया, हालांकि मुझे इसको लेके जाना है यहां राइट से 20 pixel ही जगह लेके बैठेगा, ये वहां आ गया, ठीक है। थोड़ा सा टॉप से भी नीचे कर देते हैं, टॉप से 50 pixel, नहीं ऊपर चला जाएगा, तो शायद
ठीक है, अब होना ये है 800 पिक्सल पे मेन्यू डिस्प्ले नन, सब्सक्राइब डिस्प्ले नन, और ये जो भी डिव है टॉप बार डिस्प्ले नन, और हैमबर्गर का डिस्प्ले ब्लॉक। यानी देखिए यहां मैंने किया डिस्प्ले नन, जब आपकी स्क्रीन बड़ी रहेगी तो हैमबर्गर का कोई काम नहीं है, तो वो डिस्प्ले नन रहेगा, ठीक है। लेकिन जब आप 800 पिक्सल से नीचे आ जाओगे उस पे ये और इनका डिस्प्ले नन हो जाएगा और सिर्फ वापस क्या आ जाएगा, हैमबर्गर। तो हम वापस से मीडिया क्वेरी में चलें, 800 में चलें, ये वाली जो डिव है इस पे क्लास या आईडी क्या है, इस पे है टॉप बार, तो हैश टॉप बार, साथ साथ सब्सक्राइब पे तो सब्सक्राइब ही दे रखा होगा, सब्सक्राइब क्लास, और साथ में जो है मेन्यू आईडी, इन तीनों का क्या किया हमने, डिस्प्ले नन। तीनों गायब, और हैमबर्गर को वापस लेके आना है, तो हैश हैमबर्गर डिस्प्ले ब्लॉक, ये आ गया। आप ओरिजिनल में हैमबर्गर इस साइड है, लोगो उस साइड है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं भी रख सकते हैं। और ये थोड़ा नीचे आ रहा है तो इसको थोड़ा हम ऊपर ले जाते हैं, टॉप 35 ठीक लग रहा है, तो टॉप 35। आगे बढ़ने से पहले मैं ये पूछूंगा, क्या ये चीज समझ में आई जो मैंने अभी हैमबर्गर वाली करी? हाँ, ये हैमबर्गर वाला क्लियर श्याम जोर से बोलो, है सर। क्लियर है? ओके बढ़िया। तो किसी भी वेबसाइट में अगर आप मोबाइल, उसका मोबाइल व्यू देखें और आपको ये आइकन दिखाई देता हो, इन्होंने थोड़ी विड्थ कम करके बोल्ड वगैरह किया हुआ है, बट वो मैटर नहीं करता, तो फंडा उसके पीछे यही होता है, हैमबर्गर बनता सिंपल ऐसे है, आप इसकी विड्थ कम कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, वो सब होता रहेगा। हाँ, इसके क्लिक पे वो जो निकल के आ रहा है उसमें जावास्क्रिप्ट लगेगी, अपन करेंगे वो चीज बट जावास्क्रिप्ट के साथ। ये जो हो रहा है ना, इसके क्लिक पे ये जो चीज खुल के आती है इसमें जावास्क्रिप्ट लगेगी थोड़ी सी, अभी हम नहीं पढ़ सकते इसको, ये चीज करेंगे बहुत ज्यादा सिंपल है कुछ दिनों के बाद। हाँ, तो 800 पिक्सल पे एक चीज जो मेरी बिगड़ रही थी उसको मैंने सॉल्व किया, और कुछ देखूं कुछ बिगड़ता है क्या? अभी तक सब ठीक लग रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अगर थोड़ा थोड़ा नीचे चलता जाता हूं, अब देखिएगा क्या हो रहा है। बिगड़ तो नहीं रहा, बट ये फोटोज जो है ये स्क्वीज होती जा रही है, खासकर ये वाली। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप पढ़ने में आ रहा है आपको, पर थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो ये फोटोज क्या है और स्क्वीज हो जाएंगी, फिर वो अच्छी नहीं लगती। कोई भी वेबसाइट फोटोज से ही अच्छी लगती है, टेक्स्ट से तो क्या मजा आ जाएगा, फोटोज अच्छी नहीं दिखेंगी तो वेबसाइट अच्छी नहीं दिखती। अब देखिए बहुत गंदी लग रही थी ना, बहुत ज्यादा स्क्वीज हो गई है, मजा नहीं आ रहा। तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही होता है कि ये चीजें हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो जाएं, यानी इनसे भी हमें फ्लोट छीनना पड़ेगा। और सेम टू सेम चीज यहाँ है, ये फोटो देखिए छोटी पे छोटी होती जा रही है, ये सब्सक्राइब वाला भी छोटा होता जा रहा है क्योंकि जगह नहीं है। सेम चीज हमें यहाँ भी करनी रहेगी कि अब ये साइड बार यहाँ साइड में ना आके यहाँ नीचे आए। ये सारा काम मैं 800 पिक्सल पर ही कर रहा हूं। तो ये जो पोस्ट है इन पे फ्लोट लेफ्ट आपको छीन लेना है, इन पे विड्थ 100% लगा देनी है, ये सब काम होगा 800 पिक्सल में। पोस्ट फ्लोट लेफ्ट था अभी तक, फ्लोट नहीं, और साथ साथ जितनी भी स्क्रीन पे स्पेस है वो अकेली एक पोस्ट ले लेगी। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ ऐसे। हालांकि अब ये फोटो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, पिक्सेलेट हो गई है, हमें ये देखना पड़ेगा जब हम फोटो लेके आए तो वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, वरना वो यही पिक्सेलेट हो जाएगी जैसे ये हो रहा है।
एक प्रॉब्लम मुझे और दिखाई दे रही है, वो आपको भी दिख रही होगी। यहां पे जो स्पेस है और यहां पे जो स्पेस है वो बराबर नहीं है। स्पेसिंग नहीं होती तो भी गंदी लगती है, और अगर अनइवन होती है तो भी गंदी लगती है। स्पेसिंग हमेशा प्रॉपर होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा भाई ये स्पेस अनइवन हो है क्यों। इमेज पे तो कोई मार्जिन नहीं है, एंकर पे कोई मार्जिन नहीं। अच्छा, पोस्ट पे मार्जिन है। ओके, पोस्ट पे मार्जिन है, तो हम अगर मार्जिन हटाएं पोस्ट की, टॉप बॉटम से हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो मार्जिन लेफ्ट और राइट, मार्जिन लेफ्ट 0, मार्जिन राइट 0। जैसे ही मैंने मार्जिन लेफ्ट राइट 0 किया, अब आप देखेंगे स्पेस, अब इवन स्पेसिंग है हर तरफ, दोनों साइड इवन स्पेसिंग है। स्पेसिंग इवन ही अच्छी लगती है, अनइवन बहुत गंदी लगती है। तो ये स्टेप भी कर देता हूं मैं, मार्जिन लेफ्ट, अगेन टॉप बॉटम से मतलब नहीं है तो उसको मत छेड़ो, मार्जिन लेफ्ट और राइट। और यही काम अब मुझे यहां करना है। अब ये साइड बार बहुत ज्यादा स्क्वीज हो गया है, इतना मतलब नहीं है, तो इस साइड बार का भी आप फ्लोट हटा लें। तो ये फ्लोट लगा हुआ किससे था, लेफ्ट और राइट पे होगा ऑब्वियसली। हाँ, लेफ्ट और राइट पे फ्लोट है, आईडी लेफ्ट और राइट, तो इन पे मैं फ्लोट हटा लेता हूँ। पॉपुलर पोस्ट लेफ्ट और पॉपुलर पोस्ट राइट, बढ़िया। पॉपुलर पोस्ट लेफ्ट, साथ साथ पॉपुलर पोस्ट राइट पे फ्लोट नहीं, और जितनी स्क्रीन की विड्थ है वो इनको दे दो, दोनों को ही। हाँ, यहाँ पे स्पेसिंग की कोई दिक्कत नहीं है, आती तो फिर वही सॉल्यूशन लगाते वापस। बढ़िया, कितना सही। ओके ओके ओके, यहाँ पे स्पेसिंग की दिक्कत है, अगेन नहीं अच्छा लगेगा। सेम इसमें भी आ रही है और यहाँ भी आ रही है। ओके, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे क्या दिक्कत है वो देखते हैं। मार्जिन राइट लगी हुई है कहीं ना कहीं, मार्जिन राइट 10, मार्जिन लेफ्ट भी 10 है, 12 है। ओके, तो इस पे नहीं लगी हुई क्या? नहीं लगी हुई। ओके, अच्छा विड्थ 46 है। इसका क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं? अगर मार्जिन राइट हटाएं तो भी प्रॉपर नहीं है इस पे। ओके, इसमें थोड़ा हमें कुछ देखना पड़ेगा। अरे विड्थ ही बढ़ाएंगे तो, अगर मार्जिन राइट हमने हटा दी, इनकी विड्थ को हमने किया, अरे यार 47। ओके, फिर इसमें क्या किया जा सकता है? दस करने के बाद अगर मैं इसकी वेट 48 करता हूँ, नहीं क्या किया मामला, 5 ही कर देता हूँ। और फिर हम इसकी वेट अगर बढ़ाते हैं 48, ओके ये मैक्सिमम है जो अपन कर सकते हैं। ओके, हाँ ये बेटर है, बेटर है। नहीं मतलब ही नहीं है, 800 पे किया और 700 पे हट गया ना। हाँ, अरे अब मैं फालतू दिमाग लगा रहा हूँ। तो यहां पे मैं देख रहा था कि स्पेस अनइवन है। इसका सॉल्यूशन सिंपल ये है कि इनको भी आप वर्टिकल कर दें, वरना जो भी आप सॉल्यूशन लगाएंगे वो 50-100 पिक्सल के बाद फिर से बिगड़ जाएगा। तो जैसे इन सबको किया है, इनको भी फ्लोट हटा दो, इन पे फ्लोट लगा हुआ है, ये पॉपुलर पोस्ट के अंदर हाफ पर,
पॉपुलर पोस्ट में जो हाफ है उस पे फ्लोट नन, और इनकी भी विड्थ वही 100%। एक चीज और आप देख रहे हैं, यहाँ पे सेम सीएसएस, यहाँ पे सेम सीएसएस, तो अलग अलग लिखने की जरूरत ही नहीं है। कट किया, कॉमा लगाया, पेस्ट किया और इसको सिंपली डिलीट कर दिया। लाइंस ऑफ कोड कम हो गई आपकी, जैसे स्पेसिंग बराबर आ रही है, बहुत अच्छे। यहाँ स्पेसिंग बराबर नहीं आ रही है, वो क्यों? एक्स्ट्रा मार्जिन लेफ्ट लगा हुआ है, उसको भी देखना पड़ेगा। कौन सा मार्जिन है? मार्जिन राइट, मार्जिन लेफ्ट, ओके। तो मार्जिन लेफ्ट हमें करना पड़ेगा जीरो, पॉपुलर पोस्ट हाफ, ये अलग से ही लिखना पड़ेगा। अगर इसमें लिख दोगे तो वो लेफ्ट पे और राइट पे भी जीरो हो जाएगा, मुझे सिर्फ पॉपुलर पोस्ट के अंदर हाफ से मार्जिन लेफ्ट से मतलब है, तो वो अलग से ही लिखना पड़ेगा। ये तो सॉर्ट हो गया, अब बच्ची इसकी बारी। ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, ये मैं नहीं कर रहा, ये आप लोगों को कर ही लेना है। मैं ये पूरा वेब पेज विद ऑल दिस मीडिया क्वेरीज आप लोगों को भेजूंगा, आपको इसको देखना जरूर है, कोशिश करें देखने के बाद खुद से ही करें, और जो मैंने नहीं किया है वो आपको करना ही है। कोई सवाल है तो नाउ इज द टाइम।